बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अदर रब्बानी एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है और रोशनी ढूंढने की बड़ी शदीद कोशिश कर रहा है कि कहीं चेहरा ओए हो ज़बरदस्त। तो अदर इस वक्त गोरी टाउन में मामा जी वालों के पास है और पीछे ट्रैक्टर गुजर रहा है और ट्रैक्टर की वजह से मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। अच्छा, मामा जी वालों ने बारबेक्यू स्टार्ट की है। पहले मैं इनके नाश्ते का फ़ैन था लेकिन कल से इन्होंने बारबेक्यू की ओपनिंग की है, तो मैं इनका एक व्लॉग बनाने आ गया हूँ। इनका बारबेक्यू टेस्ट भी करता हूँ, इनसे गपशप भी लगाता हूँ और आपको भी मिलवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सीन कुछ इस तरह है कि ये इनका बारबेक्यू सेटअप है मामा जी गौरी टाउन पे। इनकी एक दो ब्रांचेस और भी हैं, एक वाह में है टेक्सला पे और दूसरी ब्रांच में, इनसे पता करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई बारबेक्यू शर्क्यू का सीन लगा हुआ है बड़ा हैवी किस्म का, तो वो सीन भी देखते हैं। और ये इनके बारबेक्यू आइटम्स हाफ डन हुए हुए पड़े हुए हैं, ये भी चेक करते हैं। इनके साथ गपशप भी लगाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हमें आज क्या टेस्ट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनका कोई छोटा सा एक मेन्यू है, काफ़ी बड़ा सा है, लेकिन मुझे प्लेटर भी है फॉर 6 पर्सन कुछ 5,500 रुपये का, जिसमें चिकन कढ़ाई बोटी, कबाब, चिकन हांडी, चिकन सीख कबाब, मलाई बोटी, चिकन बोटी, बीफ सीख कबाब, बीफ टिक्का, कोल्ड ड्रिंक, रोटी, नान, ये 4% सर्विंग भी है और ये 2% सर्विंग भी है। और इंडिविजुअल इनकी जो आइटम्स हैं वो भी हैं, जिसमें चिकन बारबेक्यू, मखनी हांडी, सीख कबाब हांडी, बादामी हांडी, मलाई कस्तूरी हांडी, ओहो बहुत सारी जी अन्य वाह चीज़ें हैं। तो आप लोग जब कभी भी गौरी टाउन वाली साइड में आएँ तो गौरी टाउन फेज़ 4-5 की जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर मामा जी है। इनके लाहौरी मुर्ख चने, बोंग पाए, सुबह का नाश्ता बहुत मशहूर है, मैं कई दफ़ा इनके पास नाश्ता कर चुका हूँ। तो बारबेक्यू आइटम्स भी अभी इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं, तो ये भी आज टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनवर शाह साहब हैं जो इनके मास्टर शेफ़ हैं। तो शाह जी, क्या क्या आप लगा रहे हैं आजकल? आजकल लगा रहे हैं मलाई बोटी है, सही, और चिकन बोटी है, चिकन बोटी, मलाई बोटी, बीफ बोटी और रेश है, ठीक है, रेश नहीं, रेश को यहाँ पे आप बोलते हैं, अच्छा, मटन चाप बहुत हमने अरबी में बोल दिया, सही मटन चाप है, मटन चाप भी जगाते हैं, अलग पीस है। अभी आप मुझे क्या टेस्ट करवाएंगे? आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपकी जो सबसे स्पेशल आइटम है ना वो आप हमें टेस्ट करवाएं, चिकन टिक्का के अलावा। चिकन टिक्का खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, इसको मैं बीफ बोटी खा लें, बीफ बोटी खिलाएं आप हमें, टेस्ट करवाएं। तो फ्रेंड्स, ये आतिफ भाई हैं जो मामा जी पे फूड मैनेजर हैं और आज हमें आतिफ भाई अपनी पसंद का कोई ना कोई आइटम तैयार करके हमें खिलाएंगे। आतिफ भाई, क्या खिलाएंगे? जो आपका जी चाहेगा, जो आपको पसंद है ना वो आज हमें टेस्ट करवाएं, ठीक है? हम वेट कर रहे हैं मलाई बोटी। चिकन खाने पे बिल्कुल दिल नहीं है, कोई बीफ आइटम आज दें, सीख कबाब और बीफ टिक्का, चलें ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये एहसन भाई हैं और ये राशिद भाई हैं और दोनों ऑनर हैं मामा जी के। तो सर, आपकी ब्रांचेस किधर किधर हैं? सर, हमारी एक ब्रांच ये है गोरी टाउन में, ठीक है, दूसरी ब्रांच हमारी टेक्सला में। और मैंने सुना है कि आप लोग अटक में भी आ रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे। तो फ्रेंड्स, इनकी एक तो गोरी टाउन फेज 4 और 5 की मेन एंट्रेंस पे ब्रांच है बाबूजी रेस्टोरेंट्स के साथ मामा जी के नाम से, और एक टेक्सला रोड पे है। इन्होंने मुझे बड़े दिनों से इनवाइट किया हुआ है कि जी वहाँ पे आए और हमारा व्लॉग बनाए। अनफॉर्चुनेटली मेरा अटक की तरफ जाना नहीं हो रहा जीटी रोड से, तो जिस दिन मैं जीटी रोड से जाऊँगा तो इंशाल्लाह इनके होटल पे, रेस्टोरेंट पे ठहर के इधर डिनर या लंच करके जाऊँगा। और ये मुझे बता रहे हैं कि अटक में भी आ रहे हैं, तो चले हम अटक में इनको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, ये मेरे लिए चिकन मलाई बोटी और बीफ टिक्का मेरे लिए इन्होंने स्पेशल लगा रहे हैं, तो ये तैयार होता है और फिर चेक करते हैं। भाई, आपका नाम? मोहम्मद साजिद भाई मेरे लिए ये बनाएंगे, तो इनसे बनवाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी इनॉग्रेशन हुई है कल इफ्तिताह हुआ है, तो अभी इनके पास कढ़ाई का ऑर्डर आया है, तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में
सर जी आज पहली दफ़ा कढ़ाई बनने लगी है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कढ़ाई बनने लगी है। माशाल्लाह माहौल में दिखा देता हूँ, बर्तन शर्तन तो डेफिनेटली नए होते हैं, लेकिन देखिए कुकिंग ऑयल डालडा का यूज़ किया जा रहा है। माशाल्लाह बड़ी हिम्मत चाहिए जी डालडा की कुकिंग ऑयल इन दोनों में खाने पकाने में इस्तेमाल करने के लिए। और चीज़ें शीज़ें देखें बड़ी फ्रेश है, तो कभी आए तो इनकी कढ़ाई भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जी फ्रेंड्स मामा जी का सिटिंग एरिया है। आप लोग फैमिली के साथ आते हैं या इधर इंडोर बैठ के खाना छाना खाना चाहते हैं, यहाँ आके बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये इनका तंदूर सेक्शन है जहाँ पे टाइम टू टाइम ताज़ा नान लगते रहते हैं। तो ये है, ये ऊपर अभी जो मैंने खाना घर वालों के लिए भी पैक करवाया है वो पैक हो रहा है, साथ कढ़ाई लगी हुई है, उधर टिक्की शिक्के बन रहे हैं, तो माहौल सही गर्म हुआ हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, वैसे तो मामा जी वालों के पास बहुत ज़बरदस्त बैठने की जगह है, मैं वो आपको जगह भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी बाहर का माहौल ज़रा तपा हुआ है। इनका बीफ टिक्का देखें कितना ज़बरदस्त, तो बड़ी बड़ी माशाल्लाह बोटियाँ हैं, तो इसको चेक करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड हुआ हुआ है, बहुत तनासब के साथ निशाने हैं, कोई इतने ज़्यादा मिर्चे नहीं है। ये इनकी मिंट सॉस है, इसको भी चेक करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं जी। मलाई बोटी चिकन की, उसको भी टेस्ट करते हैं। ओए होए 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 फ्रेंड्स, इस तरह लगा जैसे मुंह में कोई चीज़ गई है और घुल गई है, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है। तो जब कभी भी आपका गोरी टाउन की वाली चक्कर लगे, ये फेज 5 की एंट्रेंस पे मामा जी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ आए, इनकी मलाई बोटी चिकन टिक्का बीफ टिक्का सारे आइटम्स इनके चेक करें। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे, ताकि मैं ज़रा आराम से खा भी लूँ। आखिर में अज़र रब्बानी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।